भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट मांगुई में खेला गया आखिरी मुकाबला पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा और टीम इंडिया ने 5-0 से न्यूजीलैंड को हरा कर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 164 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम महज 156 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम पहली टीम बनी जिसने 5-0 से T20 क्रिकेट इतिहास में किसी टीम को व्हाइट वॉश किया। इस सीरीज के लिए KL राहुल को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। KL राहुल ने शानदार पारी आज भी खेली, 45 रन उन्होंने बनाए मात्र 33 गेंदों में और भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदारी कर एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर किया। KL राहुल ने सीरीज का अवार्ड मिलने के बाद साफ कहा कि वो कोशिश करेंगे कि टीम में और ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि वो विकेट कीपिंग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने लंबे समय तक विकेट्स के पीछे रहकर टीम इंडिया की सेवा की है, वो उसी तरह टीम इंडिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में राहुल का ये बयान काफ़ी ज़्यादा फैंस का दिल जीत रहा है। अब धोनी की वापसी होगी या नहीं होगी, लेकिन राहुल ने अपने मुँह से ये तो ऐलान कर दिया है कि अब वो महेंद्र सिंह धोनी की राह पर चल चुके हैं और वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अब देखना है कि KL राहुल का भविष्य कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।